अभी उठी हूँ मैं और किचन में हूँ, चाय पी लिया लाइक मॉर्निंग में. सो वही मैंने ग्रीन टी सॉरी विकास ने ग्रीन टी पिया, मैंने कॉफ़ी पिया. मेरा चिमनी मैं दिखाऊंगी, मैं चिमनी अपना जो है वो ऑन नहीं कर सकती हूँ, कोई और इसके लिए कोई और यू नो जिम्मेदार है. दिखाती हूँ कौन रिस्पॉन्सिबल है यार. ऊपर ऊपर तू टाल ना, स्कूलर सामने धर ना, तू भय पाछिस के. There are two I can see. Oh, there is side of the hopper. Just two, baby, and clearly there are two. Do you? Yes. नहीं तो तीन तो पक्का है. ये उसका मामा है. Look how beautiful she is. Okay, and those are the chicks. चिक्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं पीजन के बच्चे को? हेलो मामा पीजन. सो अभी कोई सीन नहीं है इन लोगों को भगाने स्क्वब से, यानी कि पीजन के बच्चे तो ऑब्वियसली इतने छोटे के वो उड़ भी नहीं सकता. अगर उन लोग के एबिलिटी होता उड़ने का तो ऑब्वियसली उन लोग कुछ करने से ना, थोड़ा बहुत उसको खोल के रखने से दे विल गेट टू नो के ओके इट्स नॉट सेफ इनफ एंड दे विल फ्लाई ऑफ. बट तो सारे स्पार्ट के वो अभी फ्लाई नहीं कर सकते, उतना विंग्स ही नहीं हुआ. अभी टाइम है एटलीस्ट जितना मुझे पता है देगा ना, टेक लाइक मोर वन मंथ. ये टेंगरा माछ है विच इज अ कैटफिश फैमिली. तभी ये फिश मैं पहले फ्राई करूंगी, उसके बाद में बाकी का काम करूंगी ग्रेवी का. पोटैटो फ्राई कर लिया और ये एक प्लांट है. आप चाहो तो बैंगन नहीं भी दे सकते, इट्स ओके, बट डेफिनेटली टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इससे. मैंने इसमें दिया है अनियन चॉप्ड, टमाटो चॉप्ड, फाइन चॉप करके मैंने दिया है. उसके बाद मैंने दिया है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट. ड्राई मसाला मैंने इसमें ऐड किया है, कोरिएंडर, क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक, और फिर मैं इसको अच्छे से कुक करूँ ताकि मसाला जो अच्छे से कुक हो जाए और इसका तेल जो है सेपरेट हो जाए, तो ऑब्वियसली टेस्ट भी अच्छा आएगा. मसाला मेरा हो गया है, अभी मैं ऐड करूँगी पानी क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ग्रेवी बनाना है. फिश जब भी आप ग्रेवी में देंगे, कोई भी फिश क्यों ना हो, इतना ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है, तो वो च्यूवी हो जाएगा, वो सॉफ्टनेस नहीं रहेगा. सो ये बोल फुल ऑफ सैलड है, क्यूकम्बर, कैरेट एंड बीट, टोमेटो एंड ऑनियन यार ख़त्म हो गया तो शाम को फिर से लाना पड़ेगा. ओके, तो अभी जा रहे हैं बैंक में, तो आज जाके काम कर ले रहे हैं. ड्यू रखेंगे ना, फिर बाद में होगा कि बहुत सारा काम हो जाएगा धीरे धीरे, एक दो करते करते. बट फिर एक डाउट है, जितना टाइम हुआ ना हम लोग को डाउट हो रहा है कि अल्टीमेटली वो लाइक बैंक खुला रहेगा कि नहीं, कि बंद हो जाएगा. होपफुली खुला रहेगा, नहीं तो इसी का देर हुआ, मेरा नहीं हुआ. और आज नाटक मत रास्ते तुम्हारा ही हुआ. और वो बोलता है तुम ब्लॉग में मुझे सुनाती हो कि लाइक उसका देर हुआ, मेरा नहीं. चुप करो, तीन घंटा मेकअप करने. और ये बोल रहा है कि ठंडा नहीं है, मैं फिर भी लेके जा रही क्योंकि अभी तो मेरे सनलाइट थोड़ा थोड़ा है, पर आई नो के ठंडा तो थोड़ा लगेगा, मुझे लग रहा है. तो मैं टी शर्ट पहन रही हूँ, नया वाला स्नीकर. आई सिटी सेंटर में और बैंक का काम जैसे बोला था आधा हुआ आधा नहीं हुआ. तो फिर मैक्सिमम जो स्टोर था सब चेंज होकर दूसरा ब्रांड्स आ गया. वो ग्लोबल दिस ये क्या? नहीं नहीं, सॉरी. एनीवे पूरा तो अभी देखा नहीं,
तो जितना भी है बहुत कुछ चेंज है, क्राउड भी कम है क्योंकि आज वीकेंड से इसीलिए वीकेंड्स होता तो होगा ही। यहाँ टर्टल का था, यहाँ पर एरो का था, जहाँ पर अभी ये चिको करके दिल्ली खुला हुआ है, वहाँ जहाँ INCH 5 feet फ्रेंड्स वुमन है। CCD में जो नीचे वाला CCD है तो उस टाइम रेनोवेशन हो रहा था, तो एक्चुअली रेनोवेशन हो रहा था पर मुझे लगा कि यार ये भी बंद हो जाएगा, तो नहीं रेनोवेट होके वो थोड़ा लुक वुक चेंज हुआ, सो है अभी। था कुछ स्टोर थे जो बंद हो चुके हैं काफ़ी, मतलब हम लोग भी बहुत टाइम के बाद आ गए थे, 2 साल हो गए थे ना। 2 साल नहीं कम ही है पर हाँ। एटलीस्ट नज़दीक में जो भी काम होता है वो ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता अगर कम टाइम हो तो। तुम कुछ खाने नहीं थे? हमें गिम्बल टॉर्नम में क्या बोलो तो अब हाँ तो नहीं खूब बैंक के जाबो की बोल ले अबर बोल गिम्बल टॉर्नम में आना नहीं है हमारा बैंक के जाबो हाँ तो नहीं खूब शोभो गिम्बल की बोल ले तो की बोल ले टाटा पुलिस का बोला लिपस्टिक। सिटी सेंटर 2 में आए हैं आफ्टर डेली में। ना शेटा में बुझ लैंग्वेज प्लान दिस कुछ ऐसे इवनिंग स्नैक्स वगैरह कुछ खाए थे हम लोग। इवनिंग में आया था तब शायद इंडिया में थे ना, मगर कलकत्ता में थे ना। थे कि वैकेशन में आए थे हम लोग। वॉक करने के लिए यहाँ पे इतना जगह तो है नहीं, जगह है इट्स लाइक टू मच क्राउडेड एंड गाड़ी ये वो बहुत भीड़ भी रहता है। जैसे इंदौर में रहता था ना, मेरे घर के सामने ही रहता, बहुत खाली स्पेस था। अब बिना पोल्यूशन का, बिना कोई गाड़ी का हॉन्किंग ये वो से आप नॉर्मली वॉक कर सकते, इधर पर वो है नहीं। और मेरे आपको ना शेड दिखेगा क्योंकि इधर पर लाइट है नहीं। सो रुको मैं बात करती हूँ। तो हम लोग क्या किए, डिसाइड किए कि उतना ऐसा कोई काम है नहीं बैंक के बाद के कोई टाइमिंग है और समथिंग, वी वॉक टिल सिटी सेंटर 2। तो इससे क्या हुआ, हम लोग का वॉक हो गया क्योंकि हम लोग रोज ही प्लान करते हैं वॉक करने का, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट इधर आके हो जाता है।
तो अभी देखा ना कैसा हाल है सिचुएशन पीछे आगे से, और इट्स हर तरफ से ना गाड़ी आता है। अभी जा रहे हैं अर्बन्स पे जाके कुछ लेना है, बस थोड़ा बहुत ही कुछ। वही होता ना कि विकास को अगर कुछ लिस्ट बोलती हूँ मैं लिखने का, वो आधा लिखता आधा भूल जाता है, और मैं अगर ना लिखूँ तो मैं बुरा ही भूल जाती हूँ। कुछ बुराई नहीं है, ऐसा जनरल है। अच्छा ठीक है, तो गलती बस मेरा एक ही हुआ कि मैं जल्दबाजी नहीं बोलूँगी, मेरा ध्यान नहीं था, तो मैं वॉकिंग शू नहीं पहनी थी, एडिडास वाला नहीं पहनी थी, मैं प्यूमा वाला पहन के चली गई जो वॉकिंग शू है नहीं, एंड इट्स नॉट गुड कि आप बिना वॉकिंग शू के चलो, नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल बॉडी। हम लोग लास्ट जब आए थे जितना मुझे याद है डे टाइम में, आई एम श्योर वही टाइम है, तो हम लोग इधर से, यार बहुत गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, नो तो ऑब्वियसली ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत होगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट उसको अवॉइड करके बात करूँ। तो इधर से हम लोग जा रहे थे तो बहुत ग्रीन था और डे टाइम में था, तो हम लोग कुछ विस्की और मिनी का खाना लेना था और कुछ और भी चीज़ें लेना था, तो इधर से ही जा रहे थे, वो भी वॉक करके, मुझे याद है डे टाइम में, तुम्हें याद है अभी लास्ट टाइम और भी कुछ काम के लिए निकले थे, याद नहीं आ रहा। तो घर में आते हैं ना तो काम ऑब्वियसली रहता ही है। अभी सब शादी का सीजन है ना, तो जहाँ भी देखो म्यूजिक सजाया हुआ ये वो रहता ही है। हाँ, एक बार देख लेंगे कि डॉक्टर है कि नहीं, पता है क्या आएगा कि नहीं आएगा, तो आई थिंक पता नहीं उसका कोई डेट होगा ना, आके तो रोज ही है, कभी कदर नहीं, वो जो कुछ छुट्टी वुट्टी हुआ तो नहीं आता। चलो अरबन से फिर वो खरीद लेते हैं जो जो खरीदना, ठीक है। सो अरबन्स में बेसिकली एक दो चीज़ ही लेने गए थे, ज़्यादा कुछ था नहीं, पर फिर भी वो रेगुलर वाला चीज़ें चाहिए था। हिंग लेने गए थे और रूम फ्रेशनर लेने गए थे। रूम फ्रेशनर मुझे लेना था एम्बिप्योर का, बहुत सारा वो फ्रेग्रेंस था, पर मुझे पर्टिकुलरली आई वॉज लुकिंग फॉर ड्रैगन फ्रूट, वो भी लास्ट टाइम ही मैंने यूज़ किया तो मुझे वही वाला अच्छा लगा, पर पर्टिकुलर वो वाला वहाँ पर ख़त्म हो गया था, बोला कि बाद में आएगा, तो ऑन लाइक आते जाते वही से है, तो कहीं ना कभी आने जाने के टाइम ले लेंगे। और आते समय आईब्रो करके आया क्योंकि करना नहीं हो रहा था मुझे, घर अभी आ गए, थोड़ा सा घर का कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक करना है, यही करेंगे, आज वीडियो एडिट भी करेंगे। डिनर आज मेरा ज्यादा कुछ है नहीं बनाना क्योंकि ऑलरेडी मैंने आफ्टरनून को जानबूझ के बना के रखा था, थोड़ा ही करना है, विकास सूप पिएगा, सो चिकन वेजिटेबल सूप उसके लिए रहेगा, वो और कुछ नहीं उसको मन है, और मेरे लिए राइस है। ओ अच्छा, मैं भूल गई और एक चीज मैं लाई थी, ये प्लान तो ऐसे नहीं था, ये फैबलिक का, तो मैंने ये ट्राई किया था बहुत पहले जब मैं होटल में थी, पर मुझे नहीं पता वो लोग ऐसे भी यू नो स्टार्ट हो गए द सेल यू नो कैडबरी जैसा पैकेट करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, होपफुली टेस्ट सेम ही होगा, आई एम श्योर टेस्ट सेम होगा। सो दिस इज फ्रॉम ITC और कोको का क्वालिटी बहुत अच्छा था, और कोको का कंप्लीट करने वाली हो तुम ये पड़ा हुआ है अभी तक वैसे का वैसा, आई थिंक ये फ्लावर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये दो फ्लावर्स, ये दो पूरा कंप्लीट हो गया, मैं दिखाती हूँ क्लोजली, ये दो ना पूरा कंप्लीट हो गया, लाइक 100% इज डन, दिस वन एंड दिस वन, इसका सिर्फ बेसिक हुआ है पर उसमें डिटेलिंग कुछ नहीं हुआ, बाकी इसका भी तो कुछ हुआ ही नहीं, सो ये और ये ही कंप्लीट हुआ है, नहीं नहीं कर लूंगी मैं, ये कंप्लीट कर लो यार, वो अच्छे से करके कहीं लगाएंगे ना इसको फिर। ये मैं तब कर रही थी जब मैं बहुत तबीयत खराब था, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी बाय द वे, यहाँ पे अभी है ना, तो अभी मैं कुछ चीज ऐसे दिखाऊंगी जो मेरा पुराना पेंटिंग से, सब तो है नहीं, कुछ कुछ सेल आउट हुआ है उस टाइम, और बहुत सारा रह गया है, पता नहीं उसका मैं बिकॉज कैसे करूँ क्या करूँ, बिकॉज सेल करना इतना ईजी नहीं है, उसके लिए आपको एग्जीबिशन करना पड़ता है, डिस्प्ले करना पड़ता है ताकि लोग आके देखें, अगर कोई किसी को पता है जानते हैं तो अलग बात है, सो उसके लिए टाइम चाहिए, मेन बात यही है। तो
तो जो जो भी मेरे घर पे है ना, मैं एक ब्लॉग जरूर बनाऊंगी उसको लेके। तो टाइम अगर दूंगी तो मेरा ब्लॉगिंग के इधर उतना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दोनों के लिए टाइम चाहिए। और फिर मैं एडिटिंग भी करती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ही सब कुछ करती हूँ, तो उसमें टाइम लग जाता है। यही बस बात है और कुछ नहीं। सो डिनर करने से पहले जितना हो सके ना उतना काम थोड़ा मैं और विकास मिलके किए। अभी आके सो रहे। फाइनली सब कुछ आज के लिए तो खत्म हो गया है। सुबह से लेकर रात तक का मेरा इंटायर डे का व्लॉग, होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। एंड स्पेशली जो कैटफिश का रेसिपी मैंने बताया, टैंगरा फिश का, बहुत इजी है एंड बहुत टेस्टी होता है। प्लीज डू ट्राई इट। लाइक जरूर कीजिएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड कॉमेंट करके बताएगा कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।